हम लोग देंगे और बाय और मीडिया इसको ढक चले। हम चाहेंगे माननीय मैं आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं आज सर्वधर्म सभा इसको जरा लाइक कर दो और नारा लगाइए का मोहम्मद गुजर हुए भारतीय भाइयों की हत्या के इधर आ जाइए फोटो आगे फोटो राष्ट्रीय राजपूत कन्या सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेरी जी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारे बिहार के मधुबनी के मोहम्मदपुर गांव में 5 क्षत्रिय भाइयों की हत्या जो हुई थी उसी के लिए आज दिल्ली में दिल्ली के रवि मार्ग में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें भारत से सभी क्षत्रिय सर एक बार सर आज क्षत्रिय समाज की जो बैठक हो रही उस बैठक का मेन उद्देश्य क्या है, क्या मैसेज देना चाह रहे इस बैठक के द्वारा? देखिए राष्ट्रीय क्षत्रिय जन संसद का ये तीसरा महाधिवेशन है और इसका एजेंडा 3 महीना पहले प्रचारित किया गया है। आज हम एक राजनीतिक नेता की घोषणा करेंगे, यानी कि एक पार्टी बनाई जा रही है। हाँ, पार्टी बनेगी और उसका लीडर यहाँ घोषित करेंगे। तो किसको घोषित कर रहे हैं ये एक प्रश्न है, अभी सदन में इसकी बहस चल रही है। दूसरा है कि जो मोहम्मदपुर में कांड हुआ, आइए मृत्युंजय सिंह जी आइए, मोहम्मदपुर में जो कांड हुआ ये हमारे स्वाभिमान पर हमला है और ये 1,00,000 बरस के इतिहास को मोहम्मदपुर का कांड बदल दिया। इतने बदल क्यों दिया कि 20-20 गोली मारा, सारे अंगे प्रत्यंगों को हथियार से काटा, तो यह देश का प्रधानमंत्री का अंधा है या राष्ट्रपति का अंधा है या बिहार के मुख्यमंत्री का अंधा है? तुमको न्याय देने में इतना विलंब क्यों है? इसलिए हम मोहम्मदपुर में बहुत जल्दी आज यहाँ घोषणा होगी, हम लोग पूरी ताकत के साथ। क्षत्रिय समाज को आखिर एक राजनीति पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्षत्रिय समाज का तो नाम पहले से इतना हो। अरे सुनिए जी, देखो देश की जिस तरीके से राजनीतिक हालात चल रहे हैं, आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पत्रकार हैं, यहाँ राजनीतिक एनार्की चल रहा है, अराजकता की स्थिति है। ये 1,00,000 वोट लेने वाला जिसको 1% भी वोट नहीं है वो कहता है कि हम देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये जो गणतांत्रिक प्रक्रिया है ये तो ध्वस्त हो गया। अब देखो आप संविधान को लो, संविधान इधर है और सरकार इधर है, दोनों में कहीं तालमेल नहीं है। संविधान कहता है कि धर्म जात पर नहीं बटेगा, ये बेटी तक बांट दिए, बेटा तक बांट दिए, सुनिए तो या तो संविधान के हिसाब से देश चलाओ, तुम्हारा सरकार जो है ना केयर टेकर सरकार है और तुमको बहुमत नहीं मिला है। 54 करोड़ वोट में 16,40,00,000 वोट बीजेपी को मिला है, मैं अंदल की बात नहीं करता हूँ। तो किस आधार पर इसको बहुमत किसने दिया? गुंडागर्दी है। राजसत्ता पर काबिज रहने का एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है। राष्ट्रीय क्षत्रिय जनसंसद का गठन कि अगर देश में राजनीतिक अस्थिरता या अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है तो इस देश को कौन संभालेगा? वो तो कहेगा कि हम
हरजन है तो हम कोयरी है तो हम जाट है तो हम नोनिया है तो हम बीजेपी, यही ना करेगा और क्या कहेगा? देश को कौन बचाएगा? जो 50 लाख लोग शहीद हुए उसमें मोदी जी के कौन परिवार गया? उसमें सोनिया के कौन परिवार गया? ये सवाल है भारतीय जनता, भारत के जनता के सामने चुनौती है। तुम सुरक्षा की गारंटी लिख के दो और नहीं तो कोर्ट कचहरी न्यायालय पहले सब हटाओ। तुम गोले नहीं मारोगे? क्षत्रिय समाज जो हमारी 6000 जाति है भारत में, वो सब एकजुट हो गई है और इनको बहुत जल्दी आप देखिए, मैं आप लोग पत्रकार हैं, गला कतरना 20 गोली मार के, क्या इस अंधा है सरकार? ये राष्ट्रपति खाली महल में मौज करने के लिए रहेगा? सुनिए, ये जवाबदेही भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को है और इनको जवाब देना पड़ेगा। आज घोषित हो जाएगा कि हम मधुबनी में क्या करने जा रहे हैं और वो माई का दूध पियाओगे, तुम्हारी ताकत है ना कि पुलिस है? सर, क्षत्रिय समाज एक राजनीति पार्टी की आज घोषणा करने जा रही है, वो खाली दिल्ली के लिए होगी या पूरे देश के लिए? पूरे राष्ट्र, सुनिए, हमारे पूरे देश में क्षत्रिय करीब 40-45 राजनीतिक दल चला रहे हैं और राष्ट्रीय क्षत्रिय जनसंसद खुद एक राजनीतिक दल की घोषणा करेगी। ठीक, फिर हम लोगों का लोकतांत्रिक जन मोर्चा बनेगा। जिस तरह से NDA है, UPA है, हमारा भी मंच होगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ और मौजूदा जो हालात हैं अभी, मौजूदा जो हालात हैं, ये देश हित में नहीं है। ये देश को बचाना राष्ट्रीय क्षत्रिय जनसंसद का मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक मूल्यों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। हमारे अधिकारों को तूने अतिक्रमण किया है फर्जी, सब काम करके मेरे अधिकार लिए गए तो तुम्हारे से रक्षा क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए ये हम लोग आज सब फैसला करेंगे, महम्मदपुर पर करेंगे। हमने कहा है कि हमारा एक पॉलिटिकल लीडर होगा, पार्टी की बाद में है, सुनिए, पॉलिटिकल लीडर होगा जिसके नेतृत्व में हम सब लोग मिल के काम करेंगे। क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्षत्रिय। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सर, जो आज की बैठक हो रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे हैं वो बिल्कुल अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज सब एकजुट है और आने वाले समय में इसको पूरा इकट्ठा, मतलब सबको इकट्ठा किया जाएगा और एक साथ आने वाले समय में सारा राजपूत समाज इकट्ठा होने के बावजूद जो आज अध्यक्ष जी घोषणा करेंगे पूरा समाज इसका समर्थन करेगा। जी सर। मैं वेद प्रकाश चौहान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, और आज हम इस अधिवेशन में आए हैं क्षत्रिय जन संसद में, और हम इस आश से आए हैं कि क्षत्रियों के ऊपर जो अत्याचार शोषण हर सरकारों से होता रहा है उसके लिए एक मैसेज मिले। जो क्षत्रिय समाज के तमाम हिंदुस्तान से प्रतिनिधि पधारे हैं, हम ये आस चाहते हैं, लेकर आए हैं कि उनसे कुछ मैसेज मिले हमारे समाज के लिए कि हमारे समाज की क्या दिशा और दशा है, और नेतागण हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं वो समाज को क्या दिशा और दशा निर्देशित करते हैं, हम उसी पर अमल करेंगे। और आज वो आवश्यकता आन पड़ी है कि क्षत्रियों को एकजुट होना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये क्षत्रिय है 47-45 साल जितने ये गुजरे हैं लास्ट के, उसमें कहाँ पहुँच गया ये सबके सामने है।